ये हमारे ठाकुर साहब हैं, आदरणीय हमारे निकरा जी हैं, ये हमारे भाई हैं दखन भाई। तो बताए ठाकुर साहब, आज का कार्यक्रम कैसा लगो? अच्छा लगा। भरतवाटी कैसी लगी? भरतवाटी भी अच्छी बनी है, जो जिस भाई ने बनाई तो धन्यवाद। हमारे निकरा जी बैठे हैं जी, इनसे कुछ जानना चाहेंगे? प्रोग्राम तो अपना बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने बहुत से साथियों की कमी बहुत महसूस हो रही है। हाँ जी, तो सत्य बात है, 50% से ज़्यादा साथी अपने नहीं जा रहे हैं। चलो ठीक, आगामी कार्यक्रम में फंस रहे हैं वे लोग। लखन भाई कैसा रहा? बहुत बढ़िया आज का प्रोग्राम। चलो भैया, भरतवाटी अच्छी लगी? कितनी खाई बाटी आपने? अच्छा हो गई। चलो ठीक 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 भैया। रूपेश भैया ने हमारी खास सबसे ज्यादा बाटी खाई आज, बड़ी खुशी की बात रही। कैसा लगा रूपेश भैया आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम इतना सुंदर, इतना शानदार रहा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों ने यहाँ आके खाना खाया। और हमारे फोटोग्राफर भाइयों से निवेदन है कि ऐसे प्रोग्रामों में आप लोगों को उपस्थिति जरूर दें, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोग्राम। आपने भरतवाटी खाई, कैसे लगा टेस्ट? मैं पिछले कम से कम आधा घंटे से सिर्फ खा ही रहा हूँ, शायद मेरे को लगता है मैंने सबसे ज़्यादा ही खाई। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों की मेहनत सफल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये हमारे गोलू भैया बैठे हैं। गोलू भैया ने इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत करी है, सुबह 6 बजे से उठ कर भटा कंडा ढूंढे में इकट्ठी मेहनत की है। हो गया यार, रूपेश भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भोजन हो गया है, अभी एक बाटी और खाएं। चलो ठीक है, अच्छा ओके जी भैया। तो गोलू भैया आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत सफल हुई, जबरदस्त खाना, आपको कैसा लग रहा है? खाना खा गया यार, सबको खिलाया है, खाया है, सब तो ऐसा है, ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे आगे, और आज जो जिस स्तर पे हुआ है उसके आगे और बड़े बड़े स्तर पे इस तरह के कार्यक्रम और सारे फोटोग्राफर भाई इसमें सम्मिलित हैं। आपने मेहनत की है, उसमें कुछ परेशानी नहीं हो रही आपको? हाथ पैर तो नहीं दुख रहा? मेहनत करी है, इंटरव्यू बहुत मेहनत करी। हमारे प्रदीप भैया बैठे हैं, प्रिंस पटेल बैठे हैं, प्रिंस का भी बहुत योगदान रहा है इसमें। हमारे प्रदीप भैया ने कल रात की लिस्ट बना ली थी कि कितने भट्टा लगने हैं, कितने टमाटर लगने हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगो। हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, ठाकुर साहब का भी विशेष योगदान रहा। शरम लगत भाई। हमारे जो सतीश कक्का है, भरता है नहीं बघार हुआ है, और दाल में तो बहुत जान डाल रही ने, आज मजा आ गया दाल बनाए में। सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है। ये हमारे पत्रकार साथी सतीश कक्का से पूछो कहाँ से पवन भाई बैठे हैं। पवन भाई ब्रजेश भाई बैठे हैं, कच्चू नहीं करो बैठे। ये पूरा हर रही माता प्रांगण है, यहीं पर कार्यक्रम हुआ है पूरा। भैया सतीश कक्का को भी बोलो भैया, सबसे ज्यादा मेहनत उनकी। हमारे यहाँ पर वरिष्ठ फोटोग्राफर आदरणीय सतीश बड्डा जी बैठे हैं। सतीश बड्डा जी जानना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं भरतवाटी खाने के बाद? हर रही माता में हर व्यक्ति जो है अच्छा ही महसूस करता है। जी जी जी। और माता का आशीर्वाद जहां मिल जाए, आज समस्त फोटोग्राफरों ने माता का आशीर्वाद लिया, और कुछ फोटोग्राफर ऐसे भी रहे जिनमें थोड़ी बहुत बुराई है, तो उन्होंने अपनी बुराइयों को छोड़ा भी है। जी जी जी। और आज सबने कहा है कि माता के दरबार में आप जो है इस बुराई को छोड़ रहे हो तो पूरे जीवन भर छोड़ना पड़ेगा। सही बात है। आज जो भरतवाटी कार्यक्रम हुआ है, इसमें हमारे आदरणीय दीपक भरमिया भैया जो वरिष्ठ फोटोग्राफर हैं, उनका सम्मान किया गया है, तो उसमें हमारे आदरणीय सतीश बड्डा जी का योगदान विशेष रहा है। इनको कैसे प्रेरणा हुई इस कार्यक्रम करने के लिए, हम कुछ दो शब्द सुनना चाहते हैं बड्डा जी से। भाई फोटोग्राफर संगठन से अगर कोई भी व्यक्ति ऊंची पायदान पर जाता है तो हमारे पूरे संगठन को खुशी होती है, और उससे उम्मीद भी होती है कि फोटोग्राफर संघ के लिए, नगर के लिए, सभी युवाओं के लिए कुछ ना कुछ वो करते रहें, ताकि हमारा नगर ऐसे गौरव को हमेशा याद करता रहे। धन्यवाद जी, आपसे आशा है हम सभी छोटे फोटोग्राफरों को हमेशा
आपका मार्गदर्शन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धर्मेंद्र कहा जी बैठे हैं, हमारे राजकुमार जी बैठे हैं, राम कुमार भैया सगोरिया से हैं, हमारे आदरणीय दीपक भैया जो हमारे बीच में नौ पार्षद बन के आए हैं, इन्हीं का सम्मान हुआ है। तो दीपक भैया से भी दो शब्द बुलवाना चाह रहे हैं, हमसे बोलते तो नहीं बनता लेकिन हम कमेंट्री कर रहे हैं, सॉरी। दीपक भैया दो शब्द बोला हमारे लिए कि आपको कैसा लगा एक छोटे से कार्यक्रम किया हम लोगों ने। आयोजन हर बार होता रहना चाहिए जिससे हम सभी लोग एक हों, ऐसे तो बैठ नहीं पाते हैं। आयोजन में सब लोग इकट्ठे होते हैं, इससे मेल जोल बढ़ता है, आपसी संबंध बनते हैं और एक हंसी खुशी का माहौल साल में कम से कम तीन बार तो होना चाहिए। और ऐसे आयोजन के लिए भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। आप लोग पधारे हमारे कार्यक्रम में, छोटे से हमारे पंडित जी बैठे हैं, ये पूरे यहाँ कार्यक्रम हुआ हमारा, हमारे कार्यक्रम में भी कुछ मातृशक्तियों ने भी सहयोग किया है, उनसे भी दो दो शब्द सुनना चाहते हैं। आज कैसा लगा कार्यक्रम आपको? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ये हम सब छोटे फोटोग्राफर ने कार्यक्रम किया था, उसमें आप लोगों को आमंत्रण किया है, आप लोग बताएं जी कैसा लगा कार्यक्रम? हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि आपको खाने से छुट्टी मिल गई जी। और दूसरी बात क्या है कि सब लोगों ने प्यार से हमें बुलाया है जी जी, सब पत्रकार गुरु आपने बुलाया है, हमें बहुत अच्छा लगा और खास तौर पर हराई माता में मिली पार्टी, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे छोटे से कार्यक्रम में पधारे। ये हमारी भाभी बैठी हैं, इन्हें खूब पार्टी बनाने में बहुत सहयोग किया है। गुड़िया देखो सजा रही है, रंगी फूल बना रही है। ये पूरा माता जी का दरबार है, यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ है। सभी फोटोग्राफरों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे छोटे से आग्रह पर सभी लोग पधारे, बहुत अच्छा लगा यह कार्यक्रम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सभी फोटोग्राफरों के मुहूर्त पूरे करें और नए सीजन में सभी बहुत तरक्की करें, फुल एंजॉय के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत आइटम बचा है, अभी देखें बहुत हमारा कार्यक्रम होने के बाद अभी भी बहुत सारे हम भी नहीं। हमारे गोलू भैया कुछ बताना चाह रहे हैं, देखिए अभी भारत बचा हुआ बहुत सारा, अभी लगभग कितने लोग हो चुके होंगे? अभी अभी हमारे 60-70 लोगों का भोजन वहाँ पर हो चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो और लोग बचे हैं हमारे 35-40 लोग और हो जाए, 35-40 लोग और हो जाएंगे तो ये हमारा कार्यक्रम सफल अभी भी अभी तक अभी और कुछ लोग आ सकते हैं क्या? 80% सफल हो गया है। अशोक भाई आपको कैसा तो लगा? उम्मीद तो है कि कुछ लोग और आएंगे और खाना भी रखा हुआ, सब लोग खा के जाएं। अच्छा ये कार्यक्रम द्वारा पंडित जी का जो पकड़ो आप जी जी।